आज दूसरा दिन है साफ सफाई रम रम करने वाला। तो यहाँ इतना धूप है कि टेम्पोररी शेल्टर बनाया पट्टा से। देखो सुशील, वाह नरम है, जो भी है कर तू रहे ना। निकलो निकलो, देखा है ना। और हाँ, आदमी पलटी मारने वाला है। पहाड़ कहते हुए ऐसे कट के ले जा रहा है ताकि जंगल कम हो। इसमें एक टुकड़ा भी कचरा नहीं है, पूरा पैक पैक के ऐसे रूट्स निकल रहा है। रूट्स देखिए, इतना ज्यादा रूट्स निकला है। के नरगो चालिन फान नरगो चापान के नावन कथा चापान काम नितान काम निराम हैं काम नितान के अब लिटरल काम मिल रही। कब लगाए थे बिंदी और पूरे अजीक लगाए ना महेंद्र तन महेंद्र बाप काम तो कुछ हो गया, 70% हो गया, अभी और 30% है उसको काम करने के लिए। बीफ मीट और उसका पेट है, इंटेस्टाइन साथ में है। ये बीफ का इंटेस्टाइन, ये देखिए, वो अभी टेस्ट करेगा। बहुत बढ़िया है। जॉनी लेबर भी है। राजा नायक। वाह, आज बहुत काम कर रहे हैं आदमी लोग। वहाँ पे कौन कौन है? कुटिया नगा। कुटिया मत बोलना, लंबू बोलना। हाँ, टाइम बहुत लगता है इसके लिए सफा करने में। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब सफा करेगा इजी होगा। जस्ट छोटा छोटा घास उस निकलेगा, उसको तो सिर्फ हाथ से उठाने से हो गया। तो ये अभी फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही सफा करता है, ये ऐसे जूम कल्टीवेशन। यहाँ में एक अभी नया और एक तो आया है नानो इंगो। आउट कंट्री से देखने के लिए आया। तो यहाँ पे आज बच्चा पार्टी भी आया है। मेरा आज ड्यूटी है कुकमैन, आज के लिए कुकमैन बन गया। तो यहाँ पे बेम्बू भी जला के रखा है, ताबी हम निशी में बोलता है। इसके बाद यहाँ पे अभी पोर्क मीट का साथ ताबी बना रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, टेस्टी होने जा रहा है। आप लोग क्या करने आया था बताओ तो। पूजा मामा आप काम करेगा नहीं करेगा? तो यहाँ ऐसे बैठने आया ना। अच्छा, ये गच्ची जो पूरा सर गया था ना रूट्स जो, इसलिए कटना पड़ गया। बाद में अचानक में गिरेगा नीचे में, फिर आदमी आना जाना होने से में लग सकता है, इसलिए एडवांस काट दिया। आज 3 तारीख है, कंप्लीट हो गया 3 मई। पेंसिन भी लगा के कंप्लीट हो गया, जंगल साफ सफाई पर कंप्लीट हो गया। अभी इन लोग जो काम करने वाला लोग अभी बस्ती जा रहे हैं अपना घर। तो यहाँ सब कंप्लीट हो गया, आज ये कंप्लीट करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गेट को भी ऐसे डिजाइन से बनाया है। इसी ये सब्जी लोग पूरा निकल रहा है अभी, लाई पट्टा लाई साग ये पूरा मिट्टी से निकल चुका है। यहाँ पे देखिए ककुम्बर का गच्ची भी बहुत बड़ा हो गया। ये ककुम्बर का गच्ची है, बड़ा हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो गया। देखिए कितना बड़ा हो गया। ले जाएगा क्या अभी? ऐसे वाला आउटिंगा जो ना, ये आउटिंगा है, ये मार्केट में इसका 50 रुपया कुछ दाम है। यहाँ पे पूरा बढ़ती है ये बगान में, तो अभी तोड़ के ले जाएगा आउटिंगा।
ये लोग है देखो ऐसे फ्रेश फ्रेश है और बड़ा बड़ा साइज को तोड़ेगा। ये देखो बड़ा बड़ा साइज है, इसे हम लोग छील के खाएगा बाद में, और भी बहुत ज़्यादा है अभी तोड़ के दिखाएगा बाद में। वहाँ पे भी स्टॉक करके रखा है। ये इस तरह का होता है, इसे बड़ा होने से खाने का लायक नहीं होता है, तो अभी ये तक ये अभी खाने का डिसीजन है तो छोड़ देगा। हम लोग आज इसको पका के खाएगा और टेस्टी है। यहाँ पे और निकलेगा बहुत ज़्यादा है। ये देखो इसे ये भी है, यहाँ है देखो प्रेस प्रेस है, इतना मिला है और भी है बहुत ज़्यादा। देखो सुशील भी तोड़ के लाया है, बड़ा बड़ा साइज है एकदम बढ़िया। इसको भी टुकड़ी में डाल लो, टुकड़ी फुल हो रहा है देखो बेम्बू लुक। अभी आधा उसमें रखा ही है, और ये मार्केट में जाने से कितना दाम होगा। हम लोग के निशि में इंजन तेरे इंजन बोलता है जो वहाँ पे है बोला है, तो उसका भी हम लोग निकलने जाएगा। यहाँ पे पुराना खेती करते समय में जो बच जाता है बीजों वहाँ से फिर से वो लोग फिर से ग्रोथ होता है, फिर खाने का लायक होता है, उसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं अभी। हो गो ऐसा ना सो तेरे सी है, अरे सक तेरी है ना ले दो देला अभी है। ये है उसका रूट, यहाँ आगे आ चुका हो और कोई पलाव करके होली काट वाह इतना बुरा है तो। सीधा नाम आई देखो इतना बड़ा है, एक साइड तुरतू पला एक साइड है सोगा सो सो है भी है। तो ये दोनों यहाँ से मिला है, सुशील देखा इतना बड़ा एलिफेंट फुट और एक पीस निकाल गया वाह। इसको हम लोग जला के खाता है, सब्जी भी बना के खा सकता है। ये आठ वन चिपक कर था, ये कुछ नहीं है जंगल वाला है, बियर गिल होने से इसको खा देना था। मैन वर्सेस वाइल्ड अच्छा वाह, आज तो लकी ड्रॉ हो गया ऐसे लग रहा है। बेम्बू बेबी बेम्बू भी बहुत मिला है, बेम्बू सूट इसके बाद ये भी मिल गया। चलो आगे डाल दो है। अभी हम लोग इसको छीलेगा, छीलने का तरीका इस टाइप का होता है, ऐसे जैसे दिखाएगा आप लोगों को, ऐसे इसका ऊपर वाला जो चमड़ा होता है इसको ऐसे करके सफा करता है, ये भी ऐसे सफा करता है। देखिए सब फ्रेश फ्रेश देखिए। देखिए इसी तरह सफा करता है, बाद में सबको ऐसे छीलेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ लेयर जो है और भुगतान होता है उसको कट कट के ये रिंग टाइप का कटेगा, इसे करके निकालेगा। और ये पोर्शन तो पूरा नरम ही होगा, तो यहाँ से ऐसे कट कट के निकालेगा। इसको निसी में इसको हीपा बोलता है, जो बेम्बू गच्ची को जलाने का वाइल्ड बेम्बू जो होता है जलाने के बाद उससे निकलता है ये, उसका एक सीज़न होता है। अभी सीज़न है, अभी हर जगह में खा रहा होगा जो खेती कर रहा है, जूम कल्टिवेशन जहाँ पर करता है, इसको खाने के लिए आदमी बहुत इंटरेस्ट करता है। और ये मार्केट में भी नहीं मिलता एक्चुअली, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, इसका सप्लाई नहीं होता है, तो जो जो खाने दर होता है अपना खेती से मंगा के खा लेता है, तोड़ के खा लेता है इसी तरह। और ये हीपा बोलता है, तावी जो इससे बड़ा होता है वो भी अभी खाने का सीज़न है, पर ये हीपा है, हम लोग इसी में बोलते हैं हीपा पकम्पर डायलेक्ट में। ये साफ कर रहा है और ये है छिल चुका है, ये बेम्बू सूट अच्छा से सफा कर चुका है, तो इसको फिर बाद में कटिंग करेगा, साइज साइज़ का हिसाब से कटिंग करेगा। एक किराई से पुल हो गया ज़्यादा, तो प्रेस दिखा। ये है जो कट चुका है इसका, इसका अभी वो ये पैक देगा, ये खाने का लायक नहीं है, बहुत थान हो चुका है ये जो।
बहुत तान हो गया, तो अभी इससे कट कट के निकला है, उसको भी जला रहा है एलिफेंट फूड वाला। इसके बाद यहाँ पे है लोकल मुर्गी का घर पका रहा है, तैर बुटी नमक मर्चा डाल के यहाँ पे सब लोग है। ये देखो मस्त है, मस्त है।